वायर पोटेंशियो मीटर, STRETCHED। मीटर इज 1 मीटर का होता है, लेकिन स्ट्रेस जो वायर पोटेंशियो मीटर की लंबाई 3 से 4 मीटर तक या 5 से 6 मीटर तक भी जा सकता है। अगर आप स्कूल में जाते या कॉलेज में जा रहे होते तो इसको आप अपने लैब में देखते। एक लकड़ी के टुकड़े, लकड़ी के समझ लो एक प्लेन बोर्ड के ऊपर, जैसे कैरम बोर्ड कैसे हो वैसा बोर्ड के ऊपर वायर, एक स्ट्रेट वायर ही रहता है, लेकिन चूंकि बहुत लंबा वायर है 6 मीटर का, तो एक साथ एक लाइन में लगा नहीं सकते हैं, नहीं तो रेल का पटरी जैसा लाइन लंबा बन जाएगा। तो उसी वायर को हम क्या करते हैं, यूनिफॉर्म प्रोसेक्शन होना चाहिए, कंडक्टिंग वायर नॉर्मल, यूनिफॉर्म प्रोसेक्शन, यूनिफॉर्म प्रोसेक्शन का वायर हम एक बार, चूंकि लंबाई ज्यादा है तो इस तरह से ये सीरीज में ही है सर, ये वायर करंट गया फिर वही करंट इधर आया उधर करंट आया, इस तरह से वायर मल्टीपल राउंड में होते हैं, 5 से 6 मीटर तक का ये हो सकता है, याद रखिएगा। वैसे अगर इस पॉइंट का नाम आप ए देते हो, इस पॉइंट का नाम आप बी देते हो, तो ये पूरा वायर है, ठीक है। अगर हम समझाएं इसको आप, तो आप ऐसे भी समझो, आज के बाद हम कभी बनाएंगे तो हम ए और बी डायरेक्ट ऐसे स्ट्रेट बनाएंगे, क्योंकि हर न्यूमेरिकल में इतना लंबा आपको बनाने नहीं जा रहे हैं, तो हम ए भी ऐसा वायर खींचेंगे। आपको समझना है कि वायर इस तरह से लकड़ी के बोर्ड में इस तरह से घूम के है पूरा, होता क्या क्या है वो देखो। ये आपका मेन वायर है, इसके साथ एक ड्राइविंग सेल होता है। ड्राइविंग सेल किसको कहते हैं, जो सर्किट को चलाता है, जो सर्किट में करंट सप्लाई करेगा, ये है आपका ड्राइविंग सेल। हर ड्राइविंग सेल का अपना ईएमएफ होगा और उसका इंटरनल रेजिस्टेंस भी होगा। कोई जरूरी नहीं है कि हर सवाल में उसका इंटरनल रेजिस्टेंस दे ही दे, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि उसका इंटरनल रेजिस्टेंस दिया रहे। एक हो गया आपको ड्राइविंग सेल, हम सिर्फ ड्राइविंग सेल की बात कर रहे हैं, उसका ईएमएफ नहीं ड्रॉ कर रहे हैं, तो आप कंफ्यूज रहिएगा। एक हो गया ड्राइविंग सेल, उसके बाद यहाँ पे आपको एक रेजिस्टेंस, ये आरएच जो होता है, ये आपका रेजिस्टेंस की, इसके जरिए आप रेजिस्टेंस कम रेजिस्टेंस ज्यादा कर सकते हैं, ठीक है। यही चीज चाहो तो आप इस डायग्राम में ऐसे दिखा सकते हो, ये आपका ड्राइविंग सेल है और यहाँ पे आपका, यहाँ पे की भी बना देंगे, आप की भी बना देंगे डायग्राम के लिए, यहाँ पर यहाँ की है और कुछ नहीं, बस यही चीजें आपको देखने को मिलेंगी और कुछ नहीं। तो ये एक पोटेंशियोमीटर है, स्ट्रेच वायर, वायर खींचा हुआ रहता है, पूरे वायर में यूनिफॉर्म प्रोसेक्शन होता है, करंट सप्लाई करने की जिम्मेदारी ड्राइविंग सेल की है, जिसका ईएमएफ है। दोनों डायग्राम सेम है, इस डायग्राम और इस डायग्राम में अंतर क्या है, इसका ये शॉर्ट फॉर्म है, इसमें ये भी एक प्लेन वायर की तरह आपको दिखेगा नॉर्मल। तो क्या है स्ट्रेट वायर पोटेंशियोमीटर, का काम क्या है, आप इसको यूज क्यों करते हैं वो हम बताएंगे आपको। फिलहाल ये किस प्रिंसिपल पे काम करता है वो समझिए, प्रिंसिपल देखिए इसका क्या है, इसका यूज अभी हम नहीं बताए, कोई यूज नहीं बताया क्या करेगा क्या नहीं करेगा, ये करंट सप्लाई करेगा तो उसे क्या फर्क पड़ेगा क्या नहीं, वो हम सिखाएंगे, घबराना नहीं, ठीक है। प्रिंसिपल देखिए, इसका प्रिंसिपल क्या है, V इज इक्वल टू आई आर, हम जानते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस V इज इक्वल टू I इनटू R, और I तो ठीक है, R का वैल्यू होता है कितना, रो एल बाय ए, रो एल बाय ए, तो I तो ठीक है, रो भी ठीक है, ए भी ठीक है, ये एक साथ कर दे तो L, गौर कीजिए, अगर किसी भी सर्किट को बैटरी आप लगाए हो और पूरे वायर में सेम करंट जा रहा है, सेम करंट जा रहा है मतलब क्या, मतलब ये कि करंट कांस्टेंट है, यानी कौन कांस्टेंट है, आई। दूसरा, पूरा वायर सेम मटेरियल का बना हो, सेम मटेरियल का अगर बना होता है, मटेरियल सेम है तो रो यानी रेजिस्टिविटी भी सेम रहेगी, ये सिर्फ टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, मटेरियल सेम तो रो भी सेम,
एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी अगर सबका सेम है, यानी तार कहीं भी मोटा पतला नहीं है, सब जगह यूनिफॉर्म है वायर अगर, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी सेम होगा। तो अगर I कांस्टेंट, रो कांस्टेंट, A कांस्टेंट, तो आप वायर का इतना दूर का लेंथ लोगे तो कुछ और लेंथ होगा, यहाँ तक का लेंथ लोगे तो कुछ और होगा, यहाँ से यहाँ का लेंथ लोगे तो हर बार बदलेगा क्या, हर बार लेंथ बदलेगा। यानी B इज इक्वल टू इस कांस्टेंट का आप क्या लिख सकते हैं, ये पूरा टर्म कांस्टेंट है, K इनटू L, वेयर वेयर K किसके जगह पे है, I डू बाय A। वैसे यहां से K इज इक्वल टू V by L हो जाएगा, और इसको आप याद रखिएगा, बहुत काम आने वाला है आगे भी, हम पढ़ाएंगे इस बारे में, पोटेंशियोमीटर दो क्लास पूरा खाएगा, दो से तीन क्लास भी जा सकता है। इसको कहते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट, पोटेंशियल ग्रेडियंट, इसका नाम आप ध्यान रखेंगे, पोटेंशियल ग्रेडियंट, ठीक है। सेंसिटिविटी नाम का एक टॉपिक बताएंगे, उसमें इसका रोल है। K पोटेंशियल डिफरेंस बाय L, V बाय L, V यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस है, V पोटेंशियल नहीं है, V इज योर पोटेंशियल डिफरेंस। तो क्या प्रिंसिपल है, सुनो, स्ट्रेट वायर पोटेंशियोमीटर का, अगर कांस्टेंट हटा दे तो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया, L। इसका मतलब ये कि स्ट्रेट वायर पोटेंशियोमीटर में पोटेंशियल डिफरेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, लेंथ के। शर्त क्या है, पूरे वायर में करंट सेम होना चाहिए, पूरे वायर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम होना चाहिए, और रेजिस्टिविटी भी, यानी वायर एक ही मटेरियल का बना हुआ होना चाहिए। ये सब कंडीशन होने पर पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स लेंथ, लेंथ बढ़ेगा तो पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ेगा। पोटेंशियोमीटर नहीं सीख पाने का एक ही कारण होता है, हम बेसिक्स नहीं सीख पाते हैं और सीधे ऊपर जाते हैं और सवाल फिर नहीं बनता, बोर्ड में आपको फंसाया इसका सवाल। इसलिए रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप समझिए, प्लीज आप देखिए क्वेश्चन कैसे बना रहे हैं। अभी पहले थ्योरी समझ लीजिए, तो लिखिएगा पहले प्रिंसिपल का स्टेटमेंट, उसके बाद डायग्राम, कंस्ट्रक्शन इसका आपको होमवर्क में मेले लिखना है, कहीं से भी छापना है कंस्ट्रक्शन, कार्डबोर्ड पे वायर ऐसे ऐसे रखा था, चार पांच लाइन बहुत हो गया, अपने से बना के लिख सकते हैं। तो कंस्ट्रक्शन खुद से लिखना है, डायग्राम और प्रिंसिपल बोर्ड पे भी छापना है, पहले प्रिंसिपल लिखिए, लिखिए प्रिंसिपल स्टेटमेंट, पोटेंशियल डिफरेंस, ये है स्ट्रेस्ड वायर पोटेंशियोमीटर, इस चैप्टर का एकमात्र टॉपिक जो कोई भी कर सकता है कि यह आएगा ही आएगा, बाकी कुछ नहीं भी पढ़े चल जाएगा। इस टॉपिक को प्लीज ध्यान से सीखिए, कि बाकी में इतना इतना पढ़ते तब कहीं से चांसेस है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी वाला वो आता है, इधर ये आता है, इसीलिए इसका रिक्वेस्ट है कि इसको मत मिस कीजिएगा, जैक सीबीएसई दोनों। क्या है इसका प्रिंसिपल, प्रिंसिपल यही है स्ट्रेस्ड वायर पोटेंशियोमीटर का, कि पोटेंशियल डिफरेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है क्या चीज के, लेंथ के। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस अ वायर, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस अ वायर, अक्रॉस अ वायर ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन, अक्रॉस अ वायर ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन, यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन मतलब ए कांस्टेंट, ब्रैकेट में ए कांस्टेंट, ए इज इक्वल टू कांस्टेंट, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस अ वायर ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन and of uniform material, uniform material matlab that is rho constant, and of uniform material is directly proportional to its length, is directly proportional to its length, good, length is directly proportional to its length, provided current through the wire remains constant, that is करके ये पूरी बातें लिखेंगे। ये यहाँ पे है V by L, potential gradient, नहीं भूलेंगे। ये यहाँ पे है पोटेंशियल ग्रेडियंट, कुछ पूछना है तो हाथ रेज करें आप प्लीज, कुछ भी पूछना है हाथ रेज करें।
कोई दिक्कत नहीं है, अच्छी बात है। आपका व्हाट्सएप पे जो भी मैसेज है हम देख रहे हैं। आदित्य कनेक्ट नहीं हो रहा मीटिंग। लास्ट क्लास का नोट्स जिसको भी चाहिए मिल जाएगा। आस्था बोलो क्या हो गया डाउट, भेज दो हम पढ़ लेंगे आपका डाउट। हाँ दोनों ड्रॉ करेंगे एग्जाम में, कंस्ट्रक्शन में इसको भी है, इसको भी ड्रॉ करेंगे। स्विच विच बना दीजिएगा, की लिख दीजिएगा। काम क्या है इसका वो देखिए, बड़ा काम का चीज है ये इंस्ट्रूमेंट, बहुत काम का है। क्या काम वो बताने वाले हैं, तो समझने के लिए जा रहे हैं। वी इज इक्वल टू आप फॉर्मूला क्या लिख सकते हैं कहीं भी, के इंटू एल। वी इज इक्वल टू के इंटू एल, या वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट एल, है ना। देखिएगा समझने की कोशिश कीजिएगा। वी यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस है ना कि पोटेंशियल। मान लीजिए कि एक बैटरी है जिसका वोल्टेज है 10 वोल्ट, ओवरऑल बोल रहे हैं पोटेंशियल डिफरेंस 10 वोल्ट है, ये सबको भी इग्नोर करते हुए हम समझा रहे हैं। 10 वोल्ट समझने के लिए अगर इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस 10 वोल्ट है, यानी यहाँ पे 10 समझिए तो यहाँ पे 0, नेगेटिव साइड वाले को हम 0 कह दे रहे हैं, पॉजिटिव वाले को 10 कह रहे हैं, ताकि पोटेंशियल डिफरेंस 10 माइनस 0 हो जाए। ठीक है, गौर करिए 10 है यानी यहाँ पे वोल्टेज 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 और 0, यही ना। वायर का लंबाई हो गया मान लो 50 मीटर, वायर का लंबाई हो गया 6 मीटर, 7 मीटर, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अब आप गौर कीजिए कि अगर हम आपसे पूछे कि इतना दूर का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, डिफरेंस तो यहाँ 10 वोल्ट है, 9 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस 10 माइनस 9 कितना वोल्ट, 1 वोल्ट। अगर आपसे हम पूछे कि इस दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, तो जवाब होगा 2 वोल्ट। इतना दूर का वायर का पोटेंशियल डिफरेंस 2 वोल्ट। अगर आपसे पूछे कि इतना दूर का वायर का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है इस पॉइंट का, तो 10 वोल्ट माइनस 4, यहाँ पे 1 वोल्ट का, तो ये 6 वोल्ट का डिफरेंस। इतना दूर का तो आप बोलिएगा 8 वोल्ट का डिफरेंस, और यहाँ का पूरा डिफरेंस कितना, 10 वोल्ट का। तो जैसे जैसे लेंथ बढ़ रहा है वैसे वैसे क्या बढ़ रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल घटता हुआ दिखेगा, पोटेंशियल नहीं बोल रहे हैं, पोटेंशियल डिफरेंस बोल रहे हैं। यहाँ जो V है इज इक्वल टू के इंटू एल, एल यहाँ पे आपका क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है, एल लेंथ है, V क्या है आपका, पोटेंशियल डिफरेंस। अब बात उठा भाई हम कैसे इसका यूज क्या चीज में करेंगे, देखिए यूज क्या चीज में करेंगे, समझिएगा। मान लीजिए हमने एक बैटरी लिया जिसका हमको वोल्टेज नहीं पता है, लेकिन हम आपको बता रहे हैं कि मान लो उसका वोल्टेज 4 वोल्ट है, ईएमएफ कितना वोल्ट है, 4 वोल्ट। अब ईएमएफ 4 वोल्ट है लेकिन आपको उसका ईएमएफ पता है नहीं, लेकिन हम आपको बता रहे हैं कि 4 वोल्ट है लेकिन किसी को पता नहीं है, तो वो क्या करेगा, पोटेंशियोमीटर के साथ उसको ऐसे कनेक्ट करेगा, समझिएगा। ये सिर्फ समझने की बात है, ये समझ गए फिलहाल कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे आपने वो बैटरी लाकर लगा दिया, ठीक है, 4 वोल्ट वाली बैटरी को। आप उसके साथ एक आप जॉकी कनेक्ट करोगे और उसके साथ उस पॉइंटर से यहाँ पे एक गैल्वेनोमीटर भी रहेगा। गैल्वेनोमीटर पता है ना क्या होता है, गैल्वेनोमीटर वो डिवाइस है जो तुरंत बता देगा कि इससे करंट पास हो रहा है या नहीं। अब सुनो, अगर इसका पोटेंशियल डिफरेंस आपको पता है कि 4 वोल्ट है, कितना वोल्ट है, 4 वोल्ट, तो अगर इसको हम यहाँ पे टच कर दें 6 वोल्ट के पास, कहाँ पे टच कर दें, 6 वोल्ट के पास, तो यहाँ पे भी इस एंड का पोटेंशियल से यहाँ पे गौर करो। अगर आप इसको यहाँ पे ये टच कर दिए 6 वोल्ट के पास मान लीजिए, तो अब यहाँ से इसका जितना पोटेंशियल डिफरेंस है उतना ही पोटेंशियल डिफरेंस इसका हो जाएगा, तो इसमें करंट सप्लाई होगा, सेम पोटेंशियल पे करंट सप्लाई नहीं होता है। जैसे मान लीजिए आपको इसका यहाँ पे करंट सप्लाई नहीं हो रहा है, आप जब करंट सप्लाई नहीं हो रहा है तो किसमें आपको करंट नहीं दिखेगा, गैल्वेनोमीटर में कोई फ्लक्चुएशन नहीं दिखेगा, और आपको ये पता नहीं है कि इसका ईएमएफ कितना है, लेकिन आप ये समझ गए कि अच्छा यहाँ पे हमको करंट सप्लाई नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये है कि
इसका पोटेंशियल डिफरेंस अगल बगल का वही होगा जितना पोटेंशियल डिफरेंस इतना दूरी का है ना, क्योंकि अगर इससे इधर का पोटेंशियल सेम, कनेक्शन इधर का पोटेंशियल भी सेम हो जाएगा, तो ऑब्वियसली बात है कि दोनों का डिफरेंस भी सेम रहेगा। तो क्या बोले फिर से सुनो, इसका आपको ईएमएफ नहीं पता था, जॉकी आपको दिया गया, जॉकी से आप टच कर करके हर पॉइंट पे चेक कर रहे थे, तो इसका जो गैलोनोमीटर कांटा था वो ऐसे ऐसे हिल रहा, एक ऐसा पॉइंट मिला जहां पे इसका कांटा मूव ही नहीं किया, बिल्कुल एक जगह पे ऐसे रहा, मतलब उस पॉइंट पे इससे कोई भी करंट पास नहीं किया। करंट पास नहीं किया तो उसको हम लोग कौन सा पॉइंट कहेंगे, नल पॉइंट। करंट पास नहीं किया इसका मतलब इस बैटरी का अगल बगल का जो पोटेंशियल डिफरेंस है, जब करंट पास नहीं करता तो पोटेंशियल डिफरेंस ही उसका ईएमएफ होता है, जो इसका पोटेंशियल डिफरेंस है असल में वही इसके भी अगल बगल का पोटेंशियल डिफरेंस है, क्योंकि इधर का तो कनेक्शन सेम है, इधर का भी सेम हो गया। तो इसका मतलब अगर हमें किसी तरह से इतना दूर का पोटेंशियल डिफरेंस पता चल जाए, इतना दूर का, तो बैटरी का भी पोटेंशियल डिफरेंस पता चल जाएगा। तो बोलेगा वो आदमी कि बहुत आसान है भैया, वी का फॉर्मूला होता है के इंटू एल, ये वाला लंबाई मीटर स्टिक में देख लीजिएगा कितना मीटर तक है, और हर इंस्ट्रूमेंट जो होता है पोटेंशियोमीटर उसमें के का वैल्यू लिखा रहता है, क्योंकि के क्या था, रो एल और ए था, रो एल नहीं था सॉरी आई था, याद करो वी इक्वल टू आई आर में, आर में रो एल बाई ए था ना, तो आई रो और ए था। तो क्वेश्चन में आपको पता है कि ड्राइविंग सेल का बैटरी का वोल्टेज आपको हमेशा पता रहेगा, तो आई पता रहता है, रो पता रहता है, ए पता रहता है, यानी के का वैल्यू हमेशा पता रहता है। न्यूमेरिकल में निकालने देगा कई बार अलग बात है, लेकिन कंपनी जो बना के देगा पोटेंशियोमीटर उसमें के दिया रहेगा, बस आपको लेंथ नापना है, के से मल्टीप्लाई करना है, वी का वैल्यू निकल गया तो आपको समझ में आ जाएगा कि इस बैटरी का वोल्टेज कितना है, आया समझ में। तो बैटरी का अगर 4 वोल्ट है वोल्टेज, तो आराम से 6 के पास टच करोगे, 10-6 इसका भी 4 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस, तो इसका भी 4 ही होगा। हाँ प्रॉब्लम कहाँ हो, हल्का समझ में आया, हल्का हल्का सवाल समझाएंगे, और जहां भी टच नल पॉइंट खोजना है इसमें, तो किसी भी बैटरी का आप ईएमएफ निकाल सकते हैं आराम से इसके जरिए। हाँ अगर कोई ड्राइविंग सेल लगाया है 10 वोल्ट का और बैटरी ले रहा चेक करने का 20 वोल्ट वाला, उसको नल पॉइंट नहीं मिलेगा, क्योंकि 20 वोल्ट का तो भैया मैक्सिमम आपको डिफरेंस 10 वोल्ट तक का दिखाएगा 20 वोल्ट वाला बैटरी। तो इसीलिए पोटेंशियोमीटर में ख्याल रखना है, कभी भी आपका जो आ रहा है सेल जो आप यूज करने के लिए ला रहे हो उसका ईएमएफ ड्राइविंग सेल से ज्यादा नहीं होना चाहिए, नहीं तो एरर दिखाएगा, आपका गैलोनोमीटर एक ही साइड भागते रहेगा, हमेशा एरर दिखाता है, ठीक है। तो उन सब एरर से बचने के लिए ध्यान रखिएगा, ड्राइविंग सेल से ज्यादा आपका ईएमएफ नहीं होना चाहिए, सब न्यूमेरिकल आएगा आपको, बहुत सारा न्यूमेरिकल इसमें आपको दिखेगा, x और y 2 लड़का है, दोनों एक्सपेरिमेंट कर रहा, मतलब बाद में सिखाएंगे। फिलहाल तरीका समझ में आया कि इसका काम क्या है, तो लिखिएगा, अब इसका न्यूमेरिकल सिखाना है इस पे, लेकिन हम सिखाए नहीं है, लिखिएगा एप्लीकेशन ऑफ पोटेंशियोमीटर, एप्लीकेशन ऑफ पोटेंशियोमीटर, नंबर 1 एप्लीकेशन ऑफ पोटेंशियोमीटर में, नंबर 1 कुछ पूछना है दोबारा तो प्लीज बोलिएगा, ये फिर से हम समझाएंगे, वैसे ये बार बार आपको समझाएंगे, बस लेंथ नापिए, के से मल्टीप्लाई कीजिए, वी का वैल्यू, हाँ क्या बोले हम आपको, एप्लीकेशन ऑफ पोटेंशियोमीटर एप्लीकेशन ऑफ पोटेंशियोमीटर में, नंबर 1 टू कंपेयर, बोर्ड्स में यही आता है, यही सब में से आएगा, इसलिए ध्यान दीजिएगा, टू कंपेयर द ईएमएफ ऑफ टू सेल्स, टू कंपेयर द ईएमएफ ऑफ टू सेल्स, नंबर 2 कोई मैसेज किया नहीं ऐसा, टू मेजर द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल, टू मेजर द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल, पहला है टू कंपेयर द ईएमएफ ऑफ टू सेल्स, दूसरा टू मेजर द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल, तीसरा
टू कंपेयर टू रेजिस्टेंसेस तीनों नाम लिख लिए आप चलिए पहले एप्लीकेशन में आते हैं नंबर वन टू कंपेयर द ईएमएफ ऑफ टू सेल्स आसान है मेन है डायग्राम इसका देख लेना ठीक से और थोड़ा लैंग्वेज मारना है तो एक ही लाइन का टू कंपेयर द ईएमएफ ऑफ टू सेल्स हेडिंग डाल चुके हैं पहला नंबर हम उसको बताने जा रहे हैं हो गया कॉपी या स्क्रीनशॉट ये देखिए मान लीजिए ये आपका पोटेंशियोमीटर है ध्यान देंगे दिख रहा है हाइट पे ये पोटेंशियोमीटर है पूरा पोटेंशियोमीटर का नाम ए बी पूरा वायर ये आपका ड्राइविंग सेल ये आपका रेजिस्टेंस की ये आपका की ये आप ऐसे बना सकते जब भी चाहो ये इसको स्विच को दिखाने की जरूरत नहीं आप ट्राई करते दिखा ठीक है ये क्या बनाया आपने सी ये आपका कौन सा सेल है ड्राइविंग सेल का ईएमएफ लिख सकते हैं ये मन हुआ तो नहीं तो कोई बात नहीं अब ध्यान देंगे दो बैटरी आप ले आए एक बैटरी ए ईएमएफ ई वन सेल का नाम सी वन एक बैटरी ए ईएमएफ ई टू सेल का नाम सी टू लिखा इनका ईएमएफ कंपेयर करना दो यहां पे स्विच एस वन एस एस स्विच एस टू दो स्विच दिखा आपको नॉर्मल का प्यार से सीख रहा है यहां पे एक वायर जिसमें लगा हुआ है गैल्वेनोमीटर और ये आपका जॉकी जे जो कि टच करेंगे ताकि करंट रीड करेंगे स्विच वन को ऑन करेंगे स्विच टू को ऑफ तो सर्किट का हिस्सा ये वाला बैटरी हो जाएगा इसको ऑफ करेंगे इसको ऑन करेंगे यानी इसको कर देंगे क्लोज इसको ओपन तो ये वाला का हिस्सा था अब इसको क्लोज करेंगे इसको ओपन तो अब सर्किट इधर से कंप्लीट होगा ये वाला E2 एक बार सर्किट E1 का सर्किट होगा एक बार E2 का सर्किट होगा दोनों का अलग अलग वोल्टेज है तो दोनों के लिए अलग अलग बैलेंस पॉइंट या नल पॉइंट मिलेगा डायग्राम में कोई लोचा नहीं है केस वन पहले केस में हम S1 को ऑन किए मतलब इसको क्लोज किए इसको ओपन और बैलेंस पॉइंट खोजे तो पहले केस में बैलेंस पॉइंट P1 पे मिला जिसकी दूरी L1 है L1 दूरी दिख रहा है L1 आइदर मीटर सेंटीमीटर जिसमें देगा वो आप लिख सकते हैं यूनिट का ध्यान रखेंगे सवाल पहला नल पॉइंट किसके लिए खोजे इस बैटरी के लिए अगर इसका बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस 6 वोल्ट था तो ये 10 ये 4 तो 10 माइनस 4 6 यहां इतना दूरी के लेंथ पे मिला होगा आपको से कोई मतलब नहीं आप जॉकी टच कीजिएगा जहां भी इसका ये मूव करना बंद समझ लो वो नल पॉइंट ठीक है मीटिंग में 10 मिनट ये मीटिंग जैसे ही एंड होगा आप दूसरा मीटिंग ज्वाइन करोगे सेम आईडी पासवर्ड से अगर आपको पोटेंशियोमीटर सीखना है तो अदरवाइज मीटिंग आपका छूटेगा हाँ तो ये देखो कीपिंग एस वन क्लोज्ड एंड एस टू ओपन एस वन को क्लोज और एस टू को ओपन करते हुए बैलेंस पॉइंट या नल पॉइंट P1 इज ऑब्टेंड अब इसका मतलब है कि जो पोटेंशियल डिफरेंस इस बैटरी के अगल बगल का है वही पोटेंशियल डिफरेंस AP1 का होगा पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस The cell C1 is equal to potential difference across AP1. और इस potential difference को कौन maintain करता है बताइए driving cell.
एज मेंटेन्ड बाय, क्या होता है लंबा लिखने की जरूरत क्या है, एज मेंटेन्ड बाय ड्राइविंग से लिखने की जरूरत क्या, ज्यादा बचेगा AP1। तो बताइए इस बैटरी के अगल बगल का पोटेंशियल डिफरेंस, क्योंकि इससे करंट तो आ नहीं रहा है और जब करंट आता नहीं है तो पोटेंशियल डिफरेंस उसके ईएमएफ के बराबर होता है, यानी E1 इज इक्वल टू इसके अगल बगल का पोटेंशियल डिफरेंस, क्या फॉर्मूला बताया है लेंथ के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस लिखने का, V इज इक्वल टू के इंटू L1, इक्वेशन नंबर 1, कोई मेहनत नहीं। अब केस 2 में S1 को ओपन कर देंगे, मतलब ये तार तोड़ दिए, ये तार जोड़ दिए, यानी अब सर्किट इधर से पूरा होगा और फिर से जॉकी को टच करेंगे, वोल्टेज बदल जाएगा, तो नया नल पॉइंट मिला मान लो P2 पे, कहाँ मिला P2 पे। केस 2 कीपिंग S2 क्लोज्ड एंड S1 ओपन, बैलेंस पॉइंट P2 इज ऑब्टेंड। इसका मतलब ये कि लेंथ L1 से बदल के L2 कुछ हो गया होगा, कोई जरूरी नहीं है कि L2 L1 से बड़ा होगा, पता नहीं है, अपने मन से बना दिया है L1 पहले L2 बाद में, ये थ्योरी चल रहा है। इस बार दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस सेल C2 इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस AP2, जो पोटेंशियल डिफरेंस इसके अगल-बगल होगा वही इसके अगल-बगल होगा। बैटरी चूंकि अभी कोई करंट आ नहीं रहा है इसलिए पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू EMF, E2 इज इक्वल टू के इंटू L2, इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाय 2, k का वैल्यू बदल नहीं सकता, k कांस्टेंट है, एक पोटेंशियोमीटर के लिए k फिक्स रहता है, पोटेंशियोमीटर बदलो तो k बदलेगा। E1 बाय E2 इज इक्वल टू k कैंसिल, तो E1 बाय E2 इज इक्वल टू L1 बाय L2। प्रूफ कितना आसान प्रूफ है, असल में देखा जाए तो इस प्रूफ में बस ये डायग्राम और E1 इज इक्वल टू K1, E2 इज इक्वल टू K2 के अलावा कुछ है नहीं, तो 2 मार्क्स के बाद होता भी नहीं है, जैक में बहुत पूछता है, मेन सेकंड वाला प्रूफ देता है, तो आप देख लीजिए कुछ पूछना है तो बोलिए। मैं तो एप्लीकेशन नंबर 2 पे आएंगे, चलिए क्वेश्चन दिखा रहे हैं आपको, स्क्रीनशॉट ले लिए हैं, कुछ पूछना नहीं है आपको। तो आपके स्कूल में आपके टीचर कौन सा सवाल देते हैं इसमें ज्यादातर, वो देखिए। के सवाल है, क्वेश्चन लिखिएगा, टू सेल्स, अर्पित कर्ज कुछ पूछना चाह रहे हो अर्पित, अर्पित बोलो, कौन सा अर्पित, ये वाला वो भैया उस साइड में लेफ्ट साइड में टी क्लोज और ओपन वाला जो बताया ना, S2 क्लोज एंड S1 ओपन, वो वाला। ओके ठीक है, बता देते हैं, प्रूफ समझ में आ गया है ना अर्पित, प्रूफ समझ में आ गया, बस ओपन क्लोज का दिक्कत ना। देखो हम बोले कि पहली बार S1 को क्लोज करेंगे, मतलब ये वाला तार जुड़ेगा, ये तार टूटेगा, S1 क्लोज S2 ओपन, यानी ये तार जुड़ गया, यानी करंट इधर से पास करेगा, मतलब सर्किट का हिस्सा ये हो गया, ये सर्किट कंप्लीट, करंट आया जाएगा उसमें, मतलब ये सर्किट का हिस्सा नहीं है, और अगर हम दूसरी बार इसको तोड़ दे और इसको जोड़ दे तो ये सर्किट का हिस्सा बन गया, ऐसे सर्किट हो गया, ये सर्किट से है, यानी एक बार E1 सर्किट में, एक बार E2 सर्किट में, ठीक है। फिर भी दिक्कत तो फिर से आंकड़े करो, दवाई क्वेश्चन में देखते हैं,
ध्यान से ये क्वेश्चन बनाएंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टू प्राइमरी सेल्स या टू सेल्स इस प्रिंसिपल पर बेस्ड एक सवाल दे दिए, डायरेक्ट बन जाएगा 1 मार्क्स से कम का सवाल। टू सेल्स ऑफ ईएमएफ, ज्ञानेश फिर से कुछ पूछना है, ज्ञानेश बोलो बाबू। अच्छा भैया, अगर दोनों ऑन रखेंगे तो? दोनों ऑन कर दिए, दोनों ऑन रखेंगे तो कंपेयर नहीं कर पाएंगे। ये तो चूंकि प्रिंसिपल का हिस्सा था, दोनों रखेंगे तो फिर दोनों से आपको चेक करना होगा ओवरऑल करंट, ओवरऑल बैटरी लेके फिर काम करना होगा, तो ये हिस्सा नहीं बना। करंट फिर डेवलप करेगा, दोनों से होके जाएगा, दोनों मिलके काम करेगा। ये तो कंपेयर करने के लिए ऐसा कर रहे हैं, ये अभी लोग डिवाइस पढ़ रहे हैं, सवाल में तो कुछ भी रह सकता है, ये तो इंस्ट्रूमेंट का यूज पढ़ रहे हैं, इसीलिए ऐसा दिखा रहे हैं। एक एक करके यूज करेगा तब ना जान पाएंगे कि इसका यूज है कि बैटरी का, ये में पता करना है चाहे कंपेयर करना है, तो उसके लिए कौन है ऑफ करके ही चेक करेंगे, तो फिर डिवाइस का यूज क्या रहा, फिर तो सवाल बन गया, चाहे करंट सप्लाई कर दी तो कहीं भी आप लगा सकते हैं, बैटरी से कुछ भी जोड़ दिए, ये स्पेशली ऐसा यूज करना है। ठीक है, सवाल कर लेते हैं जल्दी से, फिर आप लोग का डाउट लेंगे। टू सेल्स ऑफ ईएमएफ ई1 एंड ई2, टू सेल्स ऑफ ईएमएफ E1 and E2, ब्रैकेट में E1 greater than E2, are connected to a potentiometer as shown in figure. देखिए डायग्राम, ठीक है, फुल स्टॉप। इफ द बैलेंसिंग लेंथ आर 250 सेंटीमीटर एंड 400 सेंटीमीटर मतलब एक बार S1 को क्लोज किए S2 को, तो L1 का वैल्यू है 250 और L2 का वैल्यू है 400 सेंटीमीटर, देन कैलकुलेट E1 by E2। डायग्राम यही है, डायग्राम को खींच लीजिए स्क्रीनशॉट, ये मीटिंग एंड हो रहा है, फिर भी आप आंसर बताना चाहें तो तुरंत बता सकते हैं हमको, आप ये वाला डायग्राम जरूर बना लें। E1 ये E2 ये E1 ये E2 200, तो E1 by E2 कितना होगा, 1 मार्क्स क्वेश्चन है, किन्हीं से बना हो तो हाथ रेज करेंगे, आंसर हमको बताएंगे। 1 मार्क्स से मतलब अभी तक आंसर सीधा आंसर है इसका, कोई डरने की बात नहीं। ठीक है, फिर भी व्हाट्सएप पे आपका आंसर आ रहा है, गुड, हम चेक कर ले रहे हैं। के वो क्या लिखे थे, के कौन सा भाई, उसी क्या पूछी, के कौन सा, बोर्ड साइन कर रहा था, वहां के कांस्टेंट था उस समय, क्लोज ओपन तो बता दिए, अब वो के वही था, के इज इक्वल टू आई रो बाई ए था, एल खाली छोड़ के बाकी सब था, जिसको हम लोग कहते थे पोटेंशियल ग्रेडियंट। ब्रह्मानंद 5/8 आंसर लाए हैं आप,